प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑफिस से ही 8.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 17,000 करोड़ रुपया बटन दबाकर किसानों के अकाउंट में भेजने का काम किया। उसी दिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का 1,128 करोड़ रुपया टैक्स को जारी किया, उसकी स्वीकृति प्रदान की। आज हम ये कह सकते हैं कि लगातार इस दिशा में सिलसिलेवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस है और सरकार उस पर काम कर रही है। केसीसी का इससे भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय लाया गया था, तब एक किसान को 25,000 रुपया केसीसी में मिलता था, उससे साउथ किसान के रूप में लाया गया है और 1,00,000 करोड़ से अधिक का ऋण का प्रभाव किसानी के क्षेत्र में नया गया है। और मार्च तक हमारी कोशिश है कि 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी के कवर तक हम लाएं और इसके लिए सभी बैंक्स के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है। जब मोदी जी सरकार में आई थी तो कृषि के क्षेत्र में ऋण का प्रभाव 3,00,000 करोड़ हुआ करता था, पिछले दिनों तक इसको बढ़ाकर 8,00,000 करोड़ किया। और इस बार जब बजट आया तो आप सबने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया कि कृषि के क्षेत्र में ऋण का प्रभाव 8,00,000 की जगह 15,00,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। तो कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने की दृष्टि से छोटे किसान को भी सारी योजनाओं का लाभ मिले, इस दृष्टि से अनेक योजनाओं का सृजन किया गया है। जिन योजनाओं का मैंने आपको जिक्र किया ये सब एक तौर से नई योजनाएं हैं और कृषि विभाग की जो परंपरागत योजनाएं चलती हैं उनके अंतर्गत तो राज्यों को पैसा देने का काम होता ही है और उसका परिणाम भी निश्चित रूप से आने वाले कल में अच्छा आ ही रहा है। उपार्जन की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो 2014 से लेकर अब तक 6 वर्षों में 7,00,000 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद हमारी सरकार के द्वारा की गई। यूपी के 10 वर्ष में जो खरीद हुई थी यह उससे लगभग 2 गुनी से अधिक है। तो हम एक ओर उत्पादन बढ़ा रहे हैं, उत्पादकता बढ़ा रहे हैं, सिंचाई के साधन बढ़ा रहे हैं, गैप्स को भरने का प्रयास कर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में काम आने वाली जो वस्तुएं हैं, उपकरण हैं, उनकी भी आसानी से उपलब्धता हो यह भी सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं और नई स्कीम के माध्यम से सारे गैप्स को भरकर और कृषि एक मुख्य उद्योग के रूप में खड़ा हो इस बात पर भारत सरकार बल दे रही है। ये सब चीजें लगातार ठीक से चल पाए और कृषि का क्षेत्र एकदम उत्पन्न होता है और कृषक को अपने उपज बेचने की स्वतंत्रता हो पाए और इस दिशा में जो कानूनी बाधाएं खड़ी हुई हैं उन कानूनी बाधाओं को भी दूर किया जा सके, इसके लिए स्वामीनाथन साहब ने भी रिकमेंड किया था कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म होना चाहिए, एपीएमसी की जो जंजीरों में किसान जकड़ा हुआ उसे मुक्त करना चाहिए। शरद जोशी जी हमारे जो किसान नेता है, महाराष्ट्र के सहकारी संगठन के बड़े नेता है, लगातार वो इस बात पर बल देते रहे। नेशनल फार्मर कमीशन ने देश भर में किसानों का अध्ययन किया, उन्होंने भी यह पाया कि इस प्रकार के रिफॉर्म की देश को आवश्यकता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ये लोग भी लगातार इस बात को कहते रहे लेकिन कभी रिफॉर्म करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पेज 17 पर जो एग्रीकल्चर का उल्लेख किया है उसमें भी उन्होंने यह उल्लेख किया था कि हम सरकार में आएंगे तो एपीएमसी एक्ट को कर लेंगे, किसान के उत्पादन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएंगे, अंतरराज्यीय व्यापार को खोलेंगे,